हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच। मतलब मैंने 4-5 दिन पहले वो व्लॉग डाला था, रैंडम व्लॉग, जिसमें मैंने बोला था आपको कि कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको इस टाइप के रैंडम व्लॉग्स वगैरह चाहिए। और कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, आपने कहा कि हाँ भाई डाला करो रैंडम व्लॉग, भी रोज ही डाला करो, मतलब डेली व्लॉग से शुरू करो। बट डेली व्लॉग्स तो अभी हम करते नहीं, मतलब डेली वीडियोस तो मैं डालता हूँ बट आप समझ रहे होंगे व्लॉग्स वगैरह नहीं होते, थोड़ी बहुत कभी कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वरना पे कभी कुछ हो गया। और व्लॉग्स में ना मुझे यही लगता है कि यार मैं अकेला ही हूँ। देखो मतलब कि वैसे दोस्त वगैरह तो चलो अलग है, कभी होगे कभी नहीं, मतलब जैसे ओनली चाइल्ड और हमारी फैमिली भी छोटी सी, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि 3 ही है, मतलब मम्मी पापा मैं और एक मेरा डॉग टफी, 4 हो जाते हैं उसे मिला के। तो मतलब व्लॉग्स वगैरह इतने एज सच इंटरेस्टिंग नहीं होंगे उस वे में, क्योंकि छोटी सी फैमिली में आपको क्या ही दिखाऊंगा क्या नहीं। बट स्टिल जो आप लोगों का प्यार था ना उस व्लॉग में भाई, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही मुझे मतलब कि इट मीन्स अ लॉट यार कि आप लोग बोलते होगी व्लॉग्स वगैरह डालो, और मुझे मजा आता है व्लॉग्स वगैरह क्रिएट करने में। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है भाई, अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ पंचकुला में घर के काम से जा रहा हूँ, मतलब कि एसी वगैरह देखना यार। जैसे कि आपको पता ही है अब दिवाली आने वाली है, तो होता ही है ना कि घर में साफ सफाई वगैरह हो, और हमारे घर में बहुत टाइम से ना रेनोवेशन वगैरह कुछ नहीं हुई थी। अभी मैं क्लिप भी लगा देता हूँ घर के बाहर की, जैसे सामान वगैरह पड़ा है आपको दिख रहा होगा। बस एक दो दिन में रेनोवेशन भी घर पे स्टार्ट होने वाली है, और वही था कि एसी उसी चेंज कराएंगे, जैसे विंडो एसी लग रखे थे तो स्प्लिट एसी वगैरह लगवाना है एक रूम में। ऑनलाइन तो मैंने जैसे एसी उसी का प्राइस देख लिया है, बट वही है कि एक रहता ही है ना कि भाई एक बार ऑनलाइन तो देख लिया बट क्या पता मार्केट में थोड़ा और सस्ता मिल जाए, इसलिए मतलब मेन रीजन यही है। मैं सोचा एक बार पंचकुला में देख आता हूँ जो जो नीड्स हैं, उस हिसाब से हमने एसी तो देख लिया था ऑनलाइन, फिर मैंने यही सोचा एक बार पंचकुला जाके देख आता हूँ कि क्या रेट पड़ता है। अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ तो मैं मतलब कि दुकान वाले को ही कह दूंगा कि भाई घर वैसे डिलीवर कर दे, इंस्टॉल वगैरह कर दे। बट मेरा ना मानना यही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह ना पर्सनली मुझे लगता है कि दुकान से लेनी चाहिए, जैसे फोन हो गया कुछ हो गया। तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताना, जैसे आप भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो, फोन वगैरह नहीं तो घर के अप्लायंसेस वगैरह, तो आप क्या प्रेफर करते हो भाई, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके? मतलब ऑफलाइन ना मुझे थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा सा लगता है, पता नहीं क्यों। ऑनलाइन इतने सारे स्कैम भी होते रहते हैं, अमेजोन के हर दिन तो स्कैम आता है भाई, फोन मंगवाया था साबुन की टिक्की दे दी, मतलब थोड़ा रहता ही है दिमाग में। इस करके मैं थोड़ा ना मतलब बिलीव नहीं करता ऑनलाइन ज्यादा, मैं तो कपड़े तक ऑनलाइन ही मंगवाता भाई, साइज की बड़ी दिक्कत लगती है मुझे, मतलब पता नहीं क्या ही चक्कर है, वो तो चलो अलग ही टॉपिक आ जाता है। फिलहाल तो आप देख लो आज का मौसम भाई, टेम्परेचर भी अभी तो 30 डिग्री दिखा रहा है। अभी मैं हो चुका हूँ पंचकुला एंटर, मतलब कि उधर से ही, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वो ही पंचकुला में ही पड़ता है, बट वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है ना। ये है भाई प्रॉपर पंचकुला, और आप सुंदरता देख लो भाई, मैंने आपको ना लास्ट व्लॉग में बताया था भाई पंचकुला बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब कि चंडीगढ़ से ज्यादा सुंदर लगता है मेरे को, और क्लीन तो भाई आपको दिख ही रही होंगी रोड्स वगैरह भी। और इधर भी भाई वैसे चंडीगढ़ की तरह वही गोल चक्कर वाला हिसाब है, बट एक जो इधर अच्छी चीज है ना भाई, जैसे गोल चक्कर में ना इधर लाइट्स वगैरह नहीं है, उसे अच्छा कह लो गलत कह लो वो तो देखो अपने अपने ओपिनियन है, बट मुझे ठीक लगता है यार। मतलब इधर ट्रैफिक भी कम है चंडीगढ़ में, लाइट शायद इसलिए ही है, उधर भाई ट्रैफिक भी हद से ज्यादा ही है। ये है पंचकुला का सेक्टर 11, भीड़ आप देख ही लो, इससे आपको पता चल गया होगा कि मतलब कि जाना माना सेक्टर है, इधर मोस्टली हर शोरूम्स वगैरह मिल जाते हैं, मतलब कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के। इधर से आ जाता भाई 10 सेक्टर, मतलब कि मैं आपको ना एक बार ओवरव्यू सा दे रहा हूँ भाई अपनी सिटी का जहाँ पे मैं रहता हूँ। इधर ही गई है शोरूम एसी उसी का, देखते हैं मतलब कि भाई वैसे तो मेन तो इधर ना फोन वगैरह का होता है, मार्केट ना फोन वगैरह की ज्यादा है, जैसे सामने आपको इमेजिन दिख गया, देखो सामने ना सारी मार्केट। इधर देखते हैं LG का तो दिख गया मुझे बोर्ड, LG का ही जाके देखते हैं भाई, LG वर्लपूल ये वो मिलते हैं, सैमसंग का भी आगे है। बट जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना भाई इधर कार में आने का, वो है इधर पार्किंग नहीं मिलती भाई, बिल्कुल भी नहीं मिलती पार्किंग। ये सामने निकाल रहा है अल्टो वाला, देखता हूँ उधर लगाता हूँ मैं भी इसकी अगर निकली, मतलब लोगों को पार्किंग नहीं मिलती ना, जैसे K10 खड़ी है ना ऐसे खड़ा के चल जाएंगे, K10 ही है मेरे ख्याल से ना, 800 तो नहीं है पता नहीं भाई, जो एल्टो खड़ी है मतलब ऐसे खड़ा के चल जाएंगे, वो सामने वाला देखो कितना परेशान हो रहा है निकालने में, मतलब वो यार सेंसलेस बातें करते हैं कभी कभी, कहीं पे भी पार्क कर दी, टू व्हीलर की भी मतलब 4 व्हीलर की पार्किंग है तो 2 व्हीलर पार्क कर दिए, मतलब क्या ही बोलना। पार्किंग तो चलो बढ़िया मिल गई थी, और शोरूम से भी मैं आ ही चुका हूँ भाई, बट इधर जो सा मॉडल लेना है हमने 5-star 1-ton का, क्योंकि रूम छोटा है, वो है नहीं, ये लगा हुआ था भाई दूसरा बेचने में, ये ले लो 2-ton का 1.5-ton का, मैं कहा भाई यूज़ ही नहीं है क्यों ना जाए पैसे खर्चने, वही है भाई
इनका भी वैसे काम ही है सेल्समैन का, बट भाई जो कलोल पड़ी है ना एक, आज आज है मंडे भाई, मंडे को होता है पंचकूला मतलब हाफ से ज़्यादा, मतलब एक तरह से बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह बंद, तो अब यही कलोल पड़ रही है। मतलब कि इधर भी ये थोड़ी बहुत शॉप्स खुली हैं, बट जो दूसरे सेक्टर की शॉप्स हैं ना वो मेरे ख्याल से बंद ही होंगी। मुझे एकदम रियलाइज हुआ, मैंने देखा है आज तो मंडे है, तो अब ना एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। मतलब कि एक और बड़ी शॉप है इधर, इधर तो जैसे सैमसंग की थी एक ऐसी शॉप है जिसमें सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, वो सेक्टर 9 या 8 में है, उधर जाके देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। बट भाई एक ज़रूरी बात, जैसे ना मान लो आपकी कार है भाई, मतलब हुंडई की कार्स में तो मोस्टली इधर ही आते रिवर्स गियर, आप समझ रहे होंगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बट ना कभी कभी ना अटक जाते हैं भाई, कभी हमारा चाहे क्लच ना मतलब कि पूरा प्रेस हुआ हो, मतलब कोई भी रीज़न हो जाता है, और ये ना नॉर्मल चीज़ है भाई, इसमें कुछ वो बात नहीं है ये ख़राब है हमारा वो ख़राब है, मतलब कहीं सर्विस स्टेशन वगैरह चल जाओ आप ठीक कराने। बट इसका ना एक मैंने हैक डिस्कवर करा है, मैं और मेरे दोस्त ने, मतलब मैं फुल क्रेडिट्स नहीं लूँगा, मतलब कि अगर आप ऐसा करोगे ना क्लच दबा के आप पहला गियर डालोगे उसके बाद आप ऐसे रिवर्स डाल दोगे तो अटकेगा नहीं भाई कभी भी, मतलब कि आप मेरे कहने से ना ये ट्राई करना अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है ना कि भाई आपका रिवर्स गियर अटक जाता है, और ये मतलब कॉमन प्रॉब्लम होती है कभी कभी अटक ही जाता है, तो आप ऐसा एक बार ट्राई जरूर करना, पहला गियर पाओ और रिवर्स डाल दो, ये मतलब कि बहुत ही अच्छा है क्या भाई ये, मतलब ये मैंने सोचा था ये ना हिडन फीचर वाली वीडियो में एक मतलब फीचर ऐसा बता दूंगा, उसमें वैसे मैं एक बार फिर भी बता ही दूंगा जब भी मैं बनाऊंगा पार्ट टू, बट अब मैं सोचा रिवर्स कर रहा हूँ तो आप लोगों का शेयर कर ही दूँ। इधर देख लो भाई भीड़ी भीड़ी गलियों का यही होता है, मतलब भीड़ी भीड़ी गलियां इन द सेंस गली रोड तो चौड़ी है, इधर पार्किंग है उधर पार्किंग है, ये भी निकल रहा है दिख रही है भाई इधर को, इधर भी पार्किंग हो रखी है, मतलब फोन मारा ना मैंने देख रहे हैं मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब व्लॉगिंग कल्चर अभी है नहीं ना हमारे इधर, दिल्ली मुंबई वगैरह में तो बहुत ही आ चुका है व्लॉगिंग वगैरह कल्चर, इधर तो कोई कैमरा लेके चल देना शॉप में भी भाई ऐसा हो जाता है बंदा कि क्या कर रहे हैं। ये है 10 सेक्टर इधर, और ये लाइटों के बाद हम क्रॉस कर लेंगे ना तो आ जाएगा 9 सेक्टर, फिर एक और लाइट के बाद आ जाएगा 8 सेक्टर, मतलब इधर ऐसे ऐसे सेक्टर्स डिवाइडेड हैं, और भाई इधर इतनी चोर बाजारी है ना इन तीनों सेक्टर्स में, मतलब कि ना मेजर मेजर मार्केट्स हैं, बाहर अंदर जाएंगे इधर थोड़ी छोटी छोटी मार्केट्स आ जाएंगी, और ना आपको एक चीज दिखाता हूँ इधर ना आप देखना ध्यान से, पेड पार्किंग लिखा है इधर, ये देखो एंट्री पेड पार्किंग, भाई अगर आप लोग आ रहे हो ना अठन्नी भी नहीं देनी, इन्हें 10 रुपए मांगते हैं ये, और मतलब नजायज ही मांगते हैं, जैसे कहते हैं जैसे मैं तो लोकल हूँ मैं तो कभी नहीं देता, मैं तो सीधा ही बाड़ देता हूँ अंदर, कोई तुक्की नहीं है भाई, इतनी खुली पार्किंग तुमने बना रखी है, मतलब नया नया ही स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कि भाई 10-10 रुपए लेना सबसे, मतलब फालतू की लूट मचा रखी है इन्होंने, वही कह रहा हूँ अगर आप लोग आओगे ना देना मत कभी भी, ऐसे बाड़ देना कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मतलब कोई रीजन ही नहीं है भाई 10 रुपए हम क्यों दें इधर फालतू के। मतलब पंचकूला में ना बस यही 3 सेक्टर हैं जो ये पार्किंग के भी पैसे मांगते हैं भाई, और तो मतलब जैसे अभी मैं गया था 11 में उधर भी कुछ सिस्टम नहीं है पार्किंग के पैसे पूसे मांगने का। इधर है भाई रिलायंस डिजिटल, अब जो मैं आपको कह रहा था मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, पैसे मैंने देने नहीं है, ये रोक रहा है पर आपको रुकना नहीं है, ये देखो ऐसे भी मारेगा ये आपको, चाहे गालियां भी देंगे बट आपको रुकना नहीं है ठीक है, गालियां तो यार क्यों ही देगा बेचारा, इसे ही पता लूट रहा हूँ मैं पब्लिक को। इधर आ गया है रिलायंस डिजिटल, मतलब कि आज की आखिरी ट्राई है, इधर मिल गया तो ऑर्डर कर देंगे भाई कि दे जा घर पे, नहीं तो जय राम जी की ऑनलाइन ही सही। काम तो इधर भी नहीं बना, इनके अलग ही चौथले हैं कि आज ऑर्डर करोगे इधर आएगा वो आएगा, 3 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, मैंने कहा भाई फिर मैं इधर से ऑर्डर कर रहा हूँ और ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा फर्क क्या रहा, इधर इन्होंने प्राइस बताया 33,000, तो मैंने भी भाई ऑनलाइन चेक कर लिया, इनकी ऑनलाइन भी साइट सुइट होती है रिलायंस डिजिटल की, ऑनलाइन आ रहा है 29,000 और 33,000 और 29,000, 4,000 का फर्क। तो भाई कहता कि सर 1500 तो इंस्टॉलेशन के भी लगते ही हैं, मैं कहता सर भी 1500 भी लगा लो फिर भी नहीं बने इतने, दो कहता सर 200 रुपए का स्टैंड 200 रुपए लेबर ये वो, मतलब इन शॉर्ट ना बात सी बनी नहीं भाई, और एक और भी का लोल है भाई, एक दो दिन में मेरे ख्याल से श्राद्ध भी स्टार्ट है और फिर मतलब वही आ ही जाते हैं रिचुअल्स, और इधर देखना क्या कलोल कर रहा है बंदा, इधर से एंट्री है नहीं एग्जिट है अभी, जैसे एंट्री भी हो रही है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना भाई लूट का धंधा है, अब कहेगा पर्ची दो, अच्छा का ही नहीं इसे पता होगा ली नहीं होगी इसने, बढ़िया समझदार। फिलहाल तो यार वापस घर की ओर जा रहा हूँ मैं, और ना आप हर वीडियो में एक चीज नोट करते होंगे भाई ये टोल आते हैं, जी हाँ मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ और मतलब पंचकूला वगैरह ऑब्वियसली मेरे घर से पास पड़ते हैं,
मतलब मेन चीजें मतलब मार्केट्स वगैरह शोरूम्स ये वो अटरम पटरम चीजें उधर ही हैं, तो टोल वगैरह क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये तो किसी रीजन से बंद है अभी टोल, वरना ये फास्टैग वैसे अभी लगवाया ही नहीं मैंने, मतलब बहुत पहले से ही बंद है आपको पता ही होगा रीजन, तो उसकी वजह से मैंने अभी तक फास्टैग भी नहीं लगवाया, नहीं तो वो ये फास्टैग वगैरह लगवाना पड़ता है। इधर महीने के कटते हैं इधर 150 रुपए हमारे। तो फाइनली पहुंचे हैं पार्किंग में, अब चलते हैं घर। और अभी आज क्या तारीख है, 20 तारीख है ना, आज 22 तारीख से घर पे काम वगैरह शुरू हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत तो शुरू हो चुका है, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया ना श्राद्धों में स्टार्ट नहीं करते, इसलिए थोड़ा बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार मैं ऊपर जाता हूँ, आपको हल्की सी ग्लिम्स वगैरह दिखाता हूँ, और टफी से भी मिलवाता हूँ आपको, मेरा भाई टफी। तो भाई इस सामान की बात कर रहा था मैं, ऐसा कुछ सामान पड़ा है मतलब प्लाईवुड सिमाई का वगैरह, इधर सिमाई का वगैरह पड़ा है, हैं पांच थी, अच्छा एक उसने यूज़ करती थी। मैं आपको कह रहा था ना कि मतलब स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है ये, मतलब उसने कुछ स्टार्ट वगैरह करके चल गया था, ताकि ऐसा ना हो कि श्राद्धों में काम स्टार्ट हुए। और थोड़ा बहुत सामान अंदर पड़ा है फिलहाल, मैं बैल दे जाता हूँ, अब ना मैं आपको अंदर ही मिलता हूँ, अभी फिर मम्मी आएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ओ ये रहा मेरा भाई टफी, क्या हाल है टफी, अब ये सो रहा था बेल बजी उठ गया, आज तो नहाया है टफी, हैं क्यूटी पाई देखो। मतलब भाई कमेंट्स में ना ये जरूर था ना आप लोगों को पेट्स वगैरह पसंद है या नहीं, मुझे तो मतलब बहुत ही प्यार है खासकर मेरे भाई टफी से। तो जैसे मैंने आपको ना बाहर भी दिखाई दिया भाई, ऐसा कुछ सामान वगैरह बिखरा पड़ा है, अभी तो स्टार्ट होएगा, मतलब जब पूरा हो जाएगा ना भाई उसके बाद मैं थोड़ा टूर वगैरह दे दूंगा आपको अपने रूम वगैरह का भी। तो भाई इस व्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो मैंने आपको छोटा सा हैक बताया था ना फर्स्ट गियर डाल के रिवर्स डालना उसे अटके आनी, वो जरूर ट्राई करना, अगर काम करते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ना टफी। और ना कमेंट सेक्शन में ये भी बताना भाई अगर आपको ये रैंडम ब्लॉग पसंद आया है या नहीं आया है, मतलब इससे थोड़ी मोटिवेशन सी मिलती है कि भाई पसंद आया है नहीं आया है, क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए ऐसे रैंडम ब्लॉग्स में, ताकि मैं अगली बार से और अच्छा ब्लॉग करने की ट्राई करूँ। और इधर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको बैकग्राउंड में शोर भी आ रहा होगा, एंड यस आपको थोड़े दिनों में ना कैमरा क्वालिटी भी इम्प्रूव दिख जाएगी भाई, उससे भी मतलब मैटर करता ही है कि कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस वीडियो को ना फिलहाल यहीं पे फाइनली कंक्लूड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो ना पसंद आई है ना भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, अगर आप इधर तक देख रहे हो जब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।